नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तत्व में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की दो संतानें हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती की अन्य 8 संतानों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें 3 पुत्रियां और 5 पुत्र हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं 8 संतानों के बारे में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं। पहला है अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी के जन्म के पीछे की कहानी माता पार्वती से जुड़ी हुई है। माता पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष, जिसे लोगों की इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष कहा जाता है, उससे एक कन्या का वरदान मांगा। इससे ही अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। कन्या का नाम अशोक सुंदरी इसलिए रखा गया क्योंकि उसने पार्वती के शोक को खत्म किया था और वो बहुत सुंदर थी। दूसरी है ज्योति। ज्योति के नाम से जुड़ी कई कहानियां हैं। पुराणों की माने तो भगवान शिव के तेज से ज्योति का जन्म हुआ था। हालांकि ज्योति के जन्म को माता पार्वती से भी जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि माता पार्वती के माथे से निकली एक चिंगारी से ज्योति का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ज्योति भगवान शिव के तेज को भी सह सकती थी। खास तौर पर दक्षिण भारत में ज्योति की आज भी पूजा की जाती है। तीसरी है मनसा देवी। मनसा देवी को माता पार्वती की ईर्ष्या से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि हरिद्वार में मनसा देवी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मनसा देवी उन कुछ देवियों में से एक हैं जिन्हें कभी खुशी नहीं मिली। मनसा देवी का जन्म भगवान शिव के वीर्य से जरूर हुआ था, लेकिन वो माता पार्वती की बेटी नहीं थी, इसलिए माता पार्वती हमेशा मनसा से नफरत करती थी। कथाओं में जिक्र है कि कद्रु, जो सांपों की माँ है, उसने एक मूर्ति बनाई थी और किसी तरह से भगवान शिव का वीर्य उस मूर्ति को छू गया था और उससे जन्मी थी मनसा। मनसा के बारे में प्रसिद्ध है कि वो सांपों के विष का असर भी बेअसर कर सकती है और मंदिरों में उन्हें सांप के कांटे और छोटी माता जैसी बीमारियों को ठीक करने वाली देवी के रूप में भी पूजा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं 5 पुत्रों के बारे में। भगवान शिव का तीसरा पुत्र था शुकेश। पुराणों के अनुसार राक्षस राज हेती ने भया नामक कन्या से विवाह किया। इन दोनों से विद्युतकेश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युतकेश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटकटा से हुआ। सालकंटकटा व्यभिचारिणी थी, इसी वजह से जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे पता नहीं था कि उसका पिता कौन है, इसलिए उसने उस पुत्र को लावारिस छोड़ दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बच्चे को सुरक्षा दी और उसे अपना पुत्र बना लिया। अगला है अयप्पा। अयप्पा के जन्म की कहानी भस्मासुर के अंत से शुरू होती है, जब उस राक्षस को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का अवतार लिया था। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार लेते ही भगवान शिव उन पर मोहित हो गए और उसके बाद जन्म हुआ अयप्पा का। अयप्पा को केरल और तमिलनाडु में पूजा जाता है। भगवान अयप्पा कुछ सबसे बलशाली देवों में से एक हैं। कहा जाता है कि अयप्पा ने परशुराम से लड़ना सीखा था। अगला है जालंधर। भगवान शिव का एक और पुत्र था जिसका नाम था जालंधर। जालंधर को भगवान शिव ने ही जन्म दिया था, लेकिन बाद में वो भगवान शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। भागवत पुराण के अनुसार जालंधर असुर के रूप में भगवान शिव का अंश था। जालंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जालंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरे आंख से उत्पन्न हुआ तेज समुद्र में फेंक दिया, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। जालंधर भगवान शिव से बहुत नफरत करता था। एक बार माता पार्वती को पत्नी बनाने के लिए जालंधर भगवान शिव से युद्ध करने लगा, जिसमें भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। अगला है भौमा। भगवान शिव के 6वें पुत्र का नाम भौमा है। कठोर तपस्या में लीन भगवान शिव का पसीना भूमि पर गिर गया। इसी पसीने से देवी भूमि को एक पुत्र हुआ। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी से भूमि का पुत्र होने के कारण यह भूमा कहलाया। अगला है अंधक। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है
कि एक बार भगवान शिव ध्यान मुद्रा में थे, तभी माता पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधेरा छा गया। जैसे ही माता पार्वती के हाथों का स्पर्श भगवान शिव के शरीर पर हुआ, वैसे ही भगवान शिव के शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगी। इससे एक बालक का जन्म हुआ, जो कि अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से वो बालक अंधा था, इसीलिए उसका नाम अंधक रखा गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।